अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश जो कि हमारे सिक्स सेमेस्टर के कोर्स ग्रेड के, के मुताबिक है तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है इसकी कम्पेरिजन करेंगे इसके डिफरेंसिस को मालूम करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों दो में ठीक है और इसके जो जितने भी एम सी क्यूज है तो उसको पॉइंट आउट करेंगे तो आइए स्टार्ट लेते हैं स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय के मी यूपी नए हैं तो हमारे चैनल लिकर्स बाय अनाया के म्यू को सब्सक्राइब करें फिर उस बेल आइकन टेक्निक्स वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अच्छा सो यहां पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि लिखा गया है कि बेसिक फॉर कम्पेरिजन ठीक है ये जो है ना डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं कि ऑन द बेस ऑफ दिस वन आन बेस ऑफ़ दिस वन इसकी कम्पेरिजन फिर करेंगे कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है ठीक तो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मीनिंग के बेस पे ठीक है अगर मीनिंग के बेस पे हम देख लें तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में लिखा गया है कि एक्सटेंसिव रीडिंग इज एन अप्रोच टू लैंगवेज लर्निंग इन विच लॉन्ग टेक्सट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ द मटीरियल आर रीड बाई द स्टूडेंट four जनरल अंडरस्टैंडिंग ठीक है लिखा गया है कि क्या होता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना ये हमारे साथ एक लार्ज बुक होती है एक लार्ज बुक हो चाहे वो रिसाला हो चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो कोई जनरल कुछ भी हो ठीक है कुछ भी मटेरियल हो सकती है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैगजीन हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ हो गया ठीक है इसके साथ साथ डिफरेंट नावल्स हो सकते हैं इसके साथ साथ डिफरेंट जो टेक्स्ट बुक्स है वो भी हो सकते हैं ठीक है ज़्यादातर लोग जो है ना वो बुक्स के बहुत शौकीन होते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स शेक्सपियर के बुक्स हो गए ठीक है तो ये जो लॉन्ग टेक्स्ट है ठीक है इसको पढ़ना इसको रीड करना तो ये जो है ना ये एक्सटेंसिव रीडिंग वाले जो लोग होते हैं ये सिर्फ़ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने टाइम को इन्जॉय करने के लिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स जो है ना उसको रीड करते हैं लॉन्ग लॉन्ग टेक्स पर मुश्तमिल होता है लेकिन ये लोग जो है ना उसको इंजॉय करते हैं ठीक है थीके? तो मीनिंग के बेस पर इसका मतलब ये हो गया अब इंटेंसिव रीडिंग की तरफ चलते हैं इंटेंसिव रीडिंग में लिखा गया है कि इंटेंसिव रीडिंग इज़ आर रीडिंग मैथर्ड वेयर एन लर्नर आर सपोज टू रीड द शार्ट टेक्स केयरफुली एंड डीप सो एज टू कैन मैगजिम अंडरस्टैंडिंग ठीक है जो एक्सटेंसिव रीडिंग होता था तो उसमें जस्ट हम अंडरस्टेंड करने के लिए कि बस जनरल अंडरस्टेंडिंग uh, इससे ले लें मतलब कि जनरली उसको सिर्फ समझे के इसका मतलब क्या था ठीक है लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं इंटेंसिव रीडिंग में एक एक वर्ड्स को डीपली आपने पढ़ना होगा फिर उसके लिए डिक्शनरी निकालनी होगी ठीक है उस हर एक वर्ड वर्ल्ड को जो है ना डीपली देखना होगा कि इसकी मतलब क्या है यहाँ पे इसकी क्या मीनिंग है ठीक है इस टेक्स्ट का क्या मतलब है और केयरफुली इसको डीपली आपने क्या करना है शार्ट टेक्स्ट को केयरफुली आपने देखना है और उसको अंडरस्टैंड करना है उसकी जितनी भी नॉलेज है उसको गेन करना है अच्छी तरीके से उसको रीड करना है ठीक है तो ये डिफरेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में अच्छा अब फर्दर लिखा गया है कि नेचर के बेस पे देखते हैं कि नेचर इसकी क्या है तो अगर हम एक्सटेंसिव रीडिंग को देख लें तो ये हमारे साथ सप्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री मतलब कि ये एक एडिशनल या एक्स्ट्रा रीडिंग होती है जो कि हर इंसान जो है ना उसके नेचर पे डिपेंड करती है कि वो पढ़ ले या ना पढ़ ले ठीक है उसकी अपनी चॉइस होती है लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग है तो ये जो है ना इसकी एक प्रॉपर नोट्स होती है ठीक है कम्प्रहेंसिव है यानी ये वो सी है टीके इसकी एक प्रॉपर नोट्स होती है और इसको पढ़ना पड़ पर, पढ़ना पड़ता है थीके? कि ऐसा नहीं है कि आप जो है ना इसको या पढ़े या ना पढ़े बल्कि ये जो है ना ये आपने जरूर पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये जो है ना ये आपके नॉलेज के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके क्लास की पोजिशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अच्छा अब परपज के बेस पर अगर हम देख लें तो इसका मकसद क्या है ठीक है फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन आर फॉर फ्यूचर ज्यादातर जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है तो वो लोग जो है ना जस्ट इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए या अपने टाइम को इंजॉय करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ना कि ज्यादातर लोग जो है ना खुशगवार मूड में होते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स जो है ना उसको उठाकर रीड करते हैं ठीक है थीके? तो ये जो है ना ये एक्सटेंसिव रीडिंग के परपज़ हो गई लेकिन अगर हम इंटेंसिव रीडिंग की पर्पज़ को देख लें तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट लिटरल मीनिंग का क्या मतलब है मतलब इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ठीक है यहाँ पे इसका क्या मतलब है तो हर एक लफ्स की हर एक टेक्स्ट की डिफरेंट डिफरेंट जो भी मीनिंग है उसकी ठीक है वहाँ पे उसका क्या मतलब है एग्जैक्ट मीनिंग क्या है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं ठीक है इंटेंसिव रीडिंग जो है ना ये ज़्यादातर जो स्कूल कॉलेज वगैरह की बुक्स वगैरह रीड करने होते हैं एग्जाम के लिए तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम इंटेंसिव uh, रीडिंग कहते हैं ठीक है अच्छा इसमें हम क्या कवर करते हैं तो कवर्स में लिखा गया है कि एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं रीडिंग ऑफ नावल्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नावल्स हो गए मैगजीन्स हो गए और न्यूज़पेपर तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग में लोग पढ़ते हैं लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग है तो उसमें अपने टेक्स्ट बुक्स अपने डिफरेंट स्लाइड्स अपने बुक को ठीक है जो कि आपके कोर्स ग्रिड के मुताबिक होते हैं जैसे कि अभी ये जो है ना ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग आपके कोर्स ग्रिड के मुताबिक है तो ये पढ़ना ठीक है ये डीपली पढ़ना क्योंकि इससे एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा सॉरी uh, पेपर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं तो इस वजह से आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों को इस पर इसका फोर्स है कि इसको पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि इससे एम आएंगे तो इस वजह से आप लोग इसको पढ़ते हैं तो ये जो है ना ये हमारे साथ क्या हो गया ये जो है ना ये इंटेंसिव रीडिंग में आता है अच्छा नेक्स्ट लिखा गया है कि मटेरियल सिलेक्शन तो मटेरियल सिलेक्शन जो है ना एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए एक इंडिविजुअल अपने लिए ख़ुद सेलेक्ट करता है कि मैंने मैगजीन पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ना है या कोई नावल वगैरह पढ़ना है लेकिन जो एक्सटें इंटेंसिव रीडिंग होता है तो इंटेंसिव रीडिंग के लिए आपको टीचर या कोई भी जो गाइडलाइन है वो आपको रिकमेंड करेगा कि ये बुक आपने पढ़ना है ठीक है यहाँ से आपका पेपर आएगा ये बुक पढ़ना है ये सेंटेंस पढ़नी है ये टॉपिक्स पढ़ना है ये जो है ना ये नोट्स पढ़ने हैं ठीक है यही आपने पढ़ना है इससे आपका कोर्स क्रिट कवर हो जाएगा ठीक है तो ये जो है ना ये टीचर रिकमेंड करती है वो इंटेंसिव होती हैं अब इसमें इन्वॉल्व क्या होती हैं तो अगर एक्सटेंसिव रीडिंग को हम देख लें तो लिखा गया है कि रीडिंग ऑफ अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट आर्ट सब्जेक्ट्स ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होते हैं जिसके ज्यादातर सिमिलर कंसेप्ट भी हो सकते हैं ठीक है ठीके? और सिमिलर सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं है। तो ये रीडिंग जो है ना ये ऐसे रीडिंग होते हैं जो कि नावल्स वगैरह हो गए तो इसके सिमिलर कन्सेप्ट होती है तकरीबन ठीक है और जो इंटेंसिव रीडिंग होती है तो इंटेंसिव रीडिंग में लिखा गया है कि रीडिंग ऑफ अ बुक अगेन एंड अगेन टू एक्सट्रैक्ट इट्स लिटरल मीनिंग जब हम एक बुक को एक पेज को किसी भी चीज को अगेन एंड अगेन पढ़ रहे हैं ताकि उसकी जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको मालूम करें ठीक है तो ये जो है ना ये फिर हमारे साथ इंटेंसिव रीडिंग में आता है अच्छा फर्दर लिखा गया है कि यूज़ ऑफ़ डिक्शनरी तो अगर यूज़ ऑफ़ डिक्शनरी के बेस पे हम देख लें तो जो हमारे साथ एक्सटेंसिव रीडिंग होता है उसमें डिक्शनरी की यूज़ हम नहीं करते क्योंकि इसमें हम जनरल जो है ना ओवरव्यू डालते हैं ठीक है ठीके? और जनरल जो है ना उसको अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए डिक्शनरी का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी एग्जैक्ट मीनिंग को हम मालूम करना चाहते हैं ठीक है कि यहाँ पर इस पॉइंट का क्या मतलब है हेल्पफुल एंड ये किस लिए ज़रूरी है या किस चीज़ में आपको मदद दे सकती है सो इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग को अगर हम देख लें तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना ये हमारी जो रीडिंग है उसकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करती है ठीक है लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग है तो ये हमारे रीडिंग स्किल के साथ साथ विकेबलरी और ग्रामीटिकली नॉलेज भी हम इससे गेन कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा अपने कोर्स ग्रिड का कोर्स होता है ठीक है अब यहाँ से एम किस तरीके का आ सकते हैं तो अगर एम को हम देख ले तो ये तो ये एम आ सकता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना वो कौन सा रीडिंग होता है तो आप लोगों ने फिर याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग होती है ठीक है एक एम सी क्यूज़ ये हो सकता है दूसरा ये कि इंटेंसिव जो है ना ये हमारे साथ जो कोर्स ग्रिड के केयरफुल जो हम डीपली पढ़ते हैं जो डीपली उसकी जो मीनिंग है उसको गेन करने के लिए जो रीडिंग करते हैं तो वो हमारे साथ इंटेंसिव रीडिंग होता है अच्छा ये एम भी हो सकता है कि ऑन द बेस ऑफ नेचर इंटेंसिव रीडिंग कौन सा है और जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो कौन सा है तो फिर आप लोग को याद होना चाहिए कि हमारे साथ जो एक्सटेंसिव है वो सप्लीमेंट्री है जबकि इंटेंसिव जो है ना वो कम्प्रहेंसिव है इसके साथ साथ ये आ सकता है कि स्टूडेंट जो है ना वो अपने फ्लिजर के लिए कौन सी रीडिंग करती है तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग है ठीक है और एम सी क्यूज़ ये भी आ सकता है कि जो नावल मैगजीन एंड न्यूज़पेपर है तो वो कौन सी रीडिंग में आता है इंटेंसिव में या एक्सटेंसिव में तो फिर आप लोगों ने याद रखना है कि ये एक्सटेंसिव रीडिंग में आता है ठीक है अच्छा डिक्शनरी का यूज़ वाला जो एम सी क्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से एम सी क्यूज़ आ सकता है कि हम डिक्शनरी की यूज़ जो है ना वो कौन से टाइप ऑफ लर्निंग या रीडिंग में करते हैं तो फिर आप लोगों को रिमेंबर रखना चाहिए कि ये हम इंटेंसिव रीडिंग में करते हैं ठीक है अच्छा फर्दर लिखा गया है कि डिफिनीशन ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग ये जितनी भी हमने डिफरेंट कंपेरिजन चार्ट पढ़ा ना अब इसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं यहाँ पे इस डिफिनीशन में सो so, लिखा गया है कि डिफिनीशन ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग पहले हम एक्सटेंसिव रीडिंग जो कि फ्लेजरेबल वाला जो रीडिंग uh, है जो कैजुअल रीडिंग है उसको पढ़ेंगे ठीक है उसकी डिफिनीशन क्या है एक्सटेंसिव रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज अ कैजुअल रीडिंग परफॉर्म

इन्जॉय करने के लिए फ्लेजर करने के लिए जो है ना जो रीडिंग हम करते हैं इसके साथ साथ लिखा गया है कि वेन द स्टूडेंट्स आर एंग्रोस्ड एनग्रोस्ड मतलब कि मगन ठीक है जब स्टूडेंट्स जो है ना वो डिफरेंट बुक्स मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में क्या होते हैं मगन रहते हैं ठीक है ठीके? तो ये चीज़ जो है ना ये उसको सुकून देते हैं और ये सुकून जो है ना इसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये प्लेजरेबल के लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी टॉपिक जो है ना उसको रीड करना इसका एक्सटेंसिव रीडिंग अच्छा फिर लिखा गया है कि इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स रीड लॉन्ग टेक्स्ट एंड रिफर्स टू वेरी सपोर्टिंग स्टडी मटेरियल ओनली टू एंजॉय द रीडिंग एंड गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ठीक है इसमें क्या होता है इसमें जो है ना स्टूडेंट्स लॉन्ग टेक्स्ट को यूज़ करता है ठीक है लॉन्ग टेक्स्ट को रीड करता है और ये किस लिए रीड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जो है ना वो स्टडी करता है रीड करता है ताकि अपने टाइम को वो टाइम पास कर सके या टाइम को एंजॉय कर सके या जो है ना किसी भी कंसेप्ट को जो है ना ना वो गेन करना चाहता है कि इस बुक में क्या लिखा है इस बुक में क्या है ठीक है अपने इंजॉयमेंट के लिए जो है ना वो किसी भी टेक्स्ट को पढ़ता है तो ये हमारे साथ एक्सटेंसिव रीडिंग में आता है देट इज़ वाई फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग द रीडर लुक फॉर इजी इंटरेस्टिंग एंड इम्यूजिंग बुक्स ठीक है लिखा गया है कि इसमें क्या होता है इसमें जो है ना इसमें जो रीडर होता है तो वो इजिली किसी भी बुक को देखता है ठीक है अपने दिल लगी के लिए किसी भी बुक को देखता है उसमें उसका इंटरेस्ट होता है ठीक है इम्यूजिंग मतलब की दिल लगी होती है इंटरेस्टिंग मतलब कि इंटरेस्ट होता है उसमें ठीक है उसका जो अब, न, क्या है जो शौक़ है वो होता है ठीक है अपने शौक़ के लिए जो है ना वो उस बुक को पढ़ता है सो एज़ टू इम्प्रूव दियर reading uh, fluency एंड स्पीड एज वेल ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें जो रीडर होता है वो रीडिंग को रीडिंग की जो फ्लैंसी है और जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो रीडिंग करता है ठीक है वो जितना भी रीडिंग करता है तो वो चाहता है कि मेरी जो रीडिंग स्किल है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए द टेक्स्ट इज़ कंपेरिटिवली सिंपल कंटेनिंग अ फ्यू अनफेमिलियर वर्ड्स ठीक है और ये टेक्स्ट जो है ना ये सिंपल होता है इसलिए इसमें डिक्शनरी की यूज़ हम नहीं करते क्योंकि सिंपल वर्ड्स इसमें होते हैं और बहुत कम जो है ना इसमें अनफेमिलियर वर्ड वर्ड्स होते हैं मतलब इसका जो जनरल ओवरव्यू अगर हम ले लेना तो इस इजीली हम अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या लिखा है ठीक है तो इसमें बहुत कम जो है ना अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं अगर एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि कौन से रीडिंग में बहुत कम जो है ना अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं तो फिर आप लोग को याद रहना, रहना चाहिए कि एक्सटेंसिव रीडिंग में ज़्यादातर अनफेमिलियर वर्ड्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं अच्छा फिर नेक्स्ट लिखा गया है कि द इंडिविजुअल कैन सेलेक्ट द बुक फॉर आर मटीरियल ऑफ हिज चॉइस ऑन द टॉपिक दैट मैच देयर इंटरेस्ट ठीक है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि इंडिविजुअल जो है ना वो खुद अपने लिए चॉइस जो है ना वो सेलेक्ट करता है कि बस मैंने ये बुक रीड करना है ठीक है अपने लिए जो टॉपिक है वो खुद ही अपनी चॉइस से सेलेक्ट करता है फर्दर देयर इज़ नो फॉलो ऑफ डिस्कशन टू बी हेल्प इन द क्लास फॉर वट दूडेंट हैव लॉर्न ड्यूरिंग दियर रीडिंग ठीक है और फर्दर क्या होता है कि जितनी भी मतलब डिस्कशन वगैरह जो है ना इसके लिए कोई भी नहीं होती कि क्लास में इसका डिस्कशन होगा या इसके बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेगा यह कुछ भी नहीं होता है बस बस अपने नॉलेज को गेन करने के लिए अपने रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना वो इन्जॉय करने के लिए वुक को रीड करता है ठीक है उसके बाद जो है ना कोई भी फॉलोअप उसका नहीं होता पर फर्दर लिखा गया है कि एक्सटेंसिव रीडिंग Is just to encourage the habit of reading in students for pleasure uh, and make them a, a voracious reader. Okay? रिवेरिशियस रीडर मतलब कि ग्रेट क्वांटिटी का जो रीडर होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना ये स्टूडेंट्स की जो रीडिंग हैबिट है उसको इम्प्रूव करता है ठीक है वो जो है ना वो स्टूडेंट की जितनी भी रीडिंग है उसको फर्दर मोर उसकी फ्लोेंसी को अच्छा करता है ठीक है और उसका जो रीडर है जो रीडर है उसको एक ग्रेट क्वान्टिट्टी का या ग्रेट क्वालिटी का रीडर बनाता है हिंस इट इज डज़ नॉट रियली मैटर एज टू वेदर द रीडर अंडरस्टेंड्स ईच वर्ड्स रिटन इन द टेक्स्ट आर नॉट टू गेट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फैसेज ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें जो है ना हर एक मीनिंग को आपने नहीं देखना पड़ता है बस जनरल जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग uh, को आपने गेन करना है ठीक है और उस पैसेज का जो कंसेप्ट uh, है उसको क्लियर करना है ठीक है उस टॉपिक का सिर्फ कंसेप्ट लेना है इन एडिशन टू दिस एक्सटेंसिव रीडिंग मैथड गिव एन अपॉपर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू रीड लॉर्ड ऑफ मटीरियल विच दे सेलेक्ट फॉर देम अकॉर्डिंग टू रीडिंग एंड कैपेबिलिटी ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें लिखा गया है कि इन एडिशन जो है ना हम क्या करते हैं कि एक्सटेंसिव uh, रीडिंग का जो मेथड है वो जस्ट स्टेंट को uh, कुछ ना कुछ मटेरियल जो है ना वो जस्ट रीड करते हैं उस मटेरियल्स को ठीक है ताकि उसका जो जनरल वो रिव्यू है वो ले सके और इसके साथ साथ उसका जो रीडिंग है उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके ठीक है वो फर्दर मोर जो है ना किसी भी बुक को किसी भी टॉपिक uh, को रीड कर सकता है अपने लिए वो एक टॉपिक को सेलेक्ट कर सकता है और उसका जो रीडिंग स्पीड है वो उसकी इम्प्रूव हो सकती है ठीक है वो जो है ना उसमें रीडिंग की कैपेसिटी आ जाती है एबिलिटी आ जाती है अच्छा फिर जो दूसरा वन है जो कि हमारे साथ इंटेंसिव रीडिंग है जो कि हम अपने टेक्स्ट बुक्स या स्टडी जो करते हैं उसके लिए जो रीडिंग करते हैं तो उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं जो डीप रीडिंग होती है ठीक है इंटेंसिव रीडिंग कैन बी अंडरस्टैंड इज़ द रीडिंग मेथड विच रिक्वायर्ड एंटीमेट स्टडी ऑफ अ टेक्स्ट विद ऑब्जेक्टिव of getting its literally our linguistic meaning to okay? अच्छा लिखा गया है कि जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो हमारे साथ वो टाइप ऑफ रीडिंग होती है जिसमें हम अपने आप को पूरे हर एक माने से लिप्स बाय लिप्स की मीनिंग से फुली डीपली फुली अटेंशन के साथ इंटीमेट स्टडी मतलब फुली अटेंशन और डीपली स्टडी हम उसकी करते हैं ताकि उसकी जो लिटरली मीनिंग है जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है लिटरली मीनिंग के मतलब उसकी जो डिफरेंट मीनिंग है ठीक है उसको मालूम कर सके और इसके साथ साथ उसकी लैंग्विस्टिक यानी आतर ने उसका क्या मीनिंग निकाला है ठीक है उसके रिलेटेड जो ज है उसमें क्या मीनिंग है तो उसके लिए स्टडी हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं अच्छा द रीडर आर सफोज टू रीड द टेक्स्ट विद कंसंट्रेशन एंड ड्यू केयर इन डिटेल एस इट हैज सर्टन लर्निंग एम एंड टास्क ठीक है और ये जो रीडर होता है ये इस रीडिंग को इतनी डीपली और इतनी केयरफुली रीड करता है क्योंकि वो अपना जो आ, एम है जो मकसद है लर्निंग का ठीक है वो पूरा करना चाहता है अपने टास्क को कम्प्लीट करना चाहता है तो वो बहुत कंसनट्रेशन और केयर के साथ जो है ना इस डिटेल को पढ़ेगा ठीक है बहुत डिटेल के साथ पढ़ेगा ना अच्छा बेसिकली इट इज़ इन इंडिफ़्ट रीडिंग बेसिकली ये जो है ना ये हमारे साथ इन इंडिफ्ट रीडिंग है तो जब भी हम सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि इन इंडिप्ट रीडिंग कौन सा है और जनरली रीडिंग कौन सा है तो फिर आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक्सटेंसिव रीडिंग जनरल रीडिंग है जबकि जो इंडिप्ट रीडिंग है वो इंटेंसिव रीडिंग है अच्छा ऑफ कंपेरेटिवली शार्ट पीस ऑफ रीडिंग जब हम एक शार्टड पीस ऑफ रीडिंग या मटेरियल की जो है ना थोड़ी सी मटेरियल थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक होता है लेकिन उसके पे हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं ताकि उसका जो कंप्लीट वर्ल्ड बाय वर्ल्ड मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड कर सके तो ये हमारे साथ इंटेंसिव रीडिंग में आता है अच्छा टू गेन कंप्लीट नॉलेज फ्रॉम इट इट एम्स इट टू आइडेंटिफाइड आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ़ रीडिंग कम्पेंट जितनी भी हमारे जहन में जितनी भी हमारे माइंड में या दूसरों के माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसके आंसर को देने के लिए जब हम रेडिंग हो जाते हैं ठीक है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं मोर एवर इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्किमिंग एंड स्कैसे एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ दी सेंटेंस ठीक है और इसमें स्किमिंग और स्किनिंग मेथड जो है ना उसको हम यूज कर सकते हैं ताकि जितने भी सेंटेंस है उसका जोड़ना वगैरह जो है ना हम इजीली कर सकें इट इन इन एनालिसिस ऑफ द टेक्सट बाई दस्ट्रक्शन डी कंस्ट्रक्शन मतलब कि जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं किसी भी सेंटेंस का किसी भी वर्ड्स की जब हम डीपली उसकी क्रिटिकली उस पर थिंकिंग करते हैं ठीक है और डीपली जो है ना उसकी मीनिंग्स को मालूम करना चाहते हैं वर्ल्ड बाई वर्ल्ड हर एक वर्ल्ड का ठीक है अच्छा पढ़ लिखा गया है कि वर्ल्ड uh, का प्रेस का या कलेक्शन ऑफ विच इज़ नाट अंडरस्टेंडिंग विद द एन एम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग टू एसेंस एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एज मच एज पॉसिबल एंड लर्निंग द ग्रामर एंड सेंटेंस ट्रेज ठीक है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब हम डीपली उसकी रीडिंग करते हैं ठीक है डीपली उसको पढ़ते हैं कि इसकी वर्ड बाई वर्ड मीनिंग को हर एक सेंटेंस की मीनिंग को हर एक पॉइंट की मीनिंग को हर एक टेक्स्ट की मीनिंग को उसको मालूम कर सके उसको ग्रामेटिकली उसको करेक्ट कर सके ठीक है और जितनी भी रूल्स है जितनी भी उसकी रूल्स रेगुलेशन वगैरह है उसको हम मालूम कर सके तो ये हमारे साथ इंटेंसिव रीडिंग में आता है फिर लिखा गया है कि फर्दर द गोल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द गिस्ट गि मतलब कि जनरल मीनिंग इसके साथ साथ इसकी जनरल मीनिंग और इसकी जो सब्जेक्ट मीनिंग है उन दोनों को मालूम कर सके इंप्रूविंग ग्रामर एंड विकेबिलरी अपने ग्रामर और वकीबुलरी को इंप्रूव कर सके ठीक है इसके साथ साथ एंड अंडरस्टैंडिंग द थ्रो द थाट ऑफ द आथर बिहड द टेक्सट और इस आथर का इस जो जिसने ये बुक लिखा है जिसने ये टेक्सट लिखा है जिसने ये पैराग्राफ लिखा है तो उसका क्या मीनिंग था ठीक है उसका सोच कहता उसने किस बेस पे किस सोच पे इस चीज़ को लिखा है ठीक है तो इसको मालूम करने के लिए जब हम क्या करते हैं रीडिंग करते हैं तो उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं अच्छा द मेन फोकस ऑफ द लर्नर इज़ ऑन द लैंग्वेज यूजर दैन द टेक्सट अच्छा वही बात है कि हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होता है कि जितने भी टेक्स्ट हैं द मेन फोकस ऑफ द लर्नर इज़ ऑन द लैंग्वेज यूज ठीक है कौन सा लैंग्वेज जहाँ पे यूज़ हुआ है राइडर देन इन द टेक्स ठीक है राइडर देन द टेक्स्ट लेकिन टेक्स्ट uh, के टेक्स्ट uh, के बजाय जो रीडर uh, होता है ना वो जो लर्नर होता है ना वो किसकी किस पे ज़्यादा फोकस करता है लैंग्वेज पर ठीक है कि कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ हुआ है फर्दर मोड इसकी डिफरेंसेस बताई गई है वही जो कंपेरिजन चार्ट है उसको फर्दर मोड जो है ना डिटेल के साथ पढ़ा गया है कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग में क्या डिफरेंसेस है सो द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग आर एक्सप्लेन बिलो ठीक है नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि रीडर रीड्स मल्टीपल बुक्स वही बात है ठीक है न्यूज़ पेपर मैगजीन एट्सेट्रा टू गेट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड देयर इंटरेस्ट कन्वर्सली इंटेंसिव रीडिंग लेकिन इसके बजाय जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो क्या होती है कंसर्न विध क्लास रूम रीडर जो क्लास रूम रर्निंग होती है टीके इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स की जितनी भी नॉलेज को गन करना है डीपली उसके टॉपिक को देखना है टीके जो कि टीचर देता है तो उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ अ सप्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री होता है जबकि दूसरा जो है ना वो कम्प्रीहेंसिव है टीके इंटेंसिव कम्प्रीहेंसिव है अच्छा एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ रीडिंग फॉर फन एंटरटेनमेंट वगैरह लेकिन एक्सटेंस इंटेंसिव रीडिंग जो है ना वो हम किस लिए करते हैं हमारा फोकस जो है ना वो अपने गोल को अपने गोल को पूरा करने पे होता है ठीक है कि हमारी जो फोकस है वो मेन फोकस इसी चीज़ पे होगा कि हम इस बुक की एक्स टेक्सट ये इस टॉपिक की मेन जो वर्ल्ड वाई वर्ल्ड मीनिंग है उसको निकालें टीके और जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो सके तो ये इंटेंसिव रीडिंग होता है जबकि एक्सटेंसिव जो है ना ये जिस पर पन होता है ठीक है अच्छा एक्सटेंसिव रीडिंग इन वॉल्व फॉर रीडिंग ऑफ नावल्स नावल्स मैगजीन्स वगैरह जो है ना वो एक्सटेंसिव में आते हैं जबकि टेक्स्ट बुस जो है ना वो इंटेंसिव रीडिंग में आते हैं एज़ द टॉपिक इज चोजन बाई टीचर जो टीचर टॉपिक देता है तो वो इंटेंसिव रीडिंग में होता है जबकि जो स्टूडेंट्स खुद अपने इंटरेस्ट के बेस पे जो बुक सेलेक्ट करता है तो वो जो है ना एक्सटेंसिव रीडिंग में आता है एक्सटेंसिव रीडिंग इसका कंसर्न विद रीडिंग डिफरेंट बुक्स ठीक है एक्सटेंसिव रीडिंग में हम डिफरेंट बुक्स जो है ना उसको रीड कर सकते हैं लेकिन इंटेंसिव रीडिंग जो है ना वो हमारे साथ जो बुक को टीचर जो है ना वो हमें देते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है ठीक है सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही टास्क होता है तो ये इंटेंसिव रीडिंग में आता है एन एक्सटेंसिव रीडिंग रीडर आर नॉट सपोज टू यूज डिक्शनरी एक्सटेंसिव रीडिंग में हम डिक्शनरी की यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत कम जो है ना अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं लेकिन जो इंटेंसिव uh, रीडिंग होता है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक वर्ड को देखेंगे डिक्शनरी में वाइल एक्सटेंसिव रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द रीडिंग स्पीड ठीक है रीडिंग स्पीड को या इन्फ्लुएंसी ऑफ रीडिंग के लिए जो है ना हम क्या करते हैं हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं लेकिन अपने विकेबुलर को इंप्रूव करने के लिए ग्रामिटिकली नॉलेज को गेन करने के लिए और इसके साथ साथ जितने भी इनालिटिकल स्किल हैटिकल थिंकिंग वगैरह है उसके लिए हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं कंक्लूजन में लिखा गया है कि इन आ नटशिल अगर हम देख लें ठीक है तो इसमें क्या लिखा गया है कि एक्सटेंसिव रीडिंग इज मेनली यूज विन एन Or Is for on a जब हम देख लें तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना वो कौन सा है वो हमारे साथ वो रीडिंग होता है जो कि हम सुपरपेशली करते हैं ठीक है ठीके? उस पर हमारा ज्यादा फोकस नहीं होता लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग होता है उसको हम अटेंशन के साथ डीपली उसके डिटेल को हम पढ़ते हैं ठीक है ठीके? और हम अपने गोल को कम्प्लीट करने के लिए हम अपने टास्क को कम्प्लीट करने के लिए क्रिटिकल थिंक डीपली स्टडी करते हैं तो ये हमारे साथ इंटेंसिव रीडिंग होता है तो चलो स्टूडेंट उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझे आ गया होगा फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग पूछ सकते हैं बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा यहाँ तक हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग कम्प्लीट हो गया है नेक्स्ट वीज मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़